बीजेपी अपने मिशन पूर्वांचल पर पूरा दमखम झोंके हुए है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद पूर्वांचल के मिशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकले हैं। जेपी नड्डा ने गोरखपुर के मंच से बीजेपी सरकार के किए गए कामों का बखान किया, साथ ही ऐलान किया कि बीजेपी यूपी में एक बार फिर से प्रचंड विजय दर्ज करने जा रही है। बाबा गोरखनाथ की पूजा और इस भक्ति में उत्यासी शक्ति को हासिल करने की प्रार्थना है, जिसके दम पर बीजेपी का कमल फिर से यूपी में खिलाया जा सके और बीजेपी के इसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए जब जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे तो सीधे बाबा गोरखनाथ के दर्शन को आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की और उस रणनीति की शुरुआत की जो बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख केंद्र गोरखपुर की रैली में जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, योगी सरकार की उपलब्धियां बताई और इसी काम के दम पर यूपी में जीत की उम्मीद जताई। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई। यूपी के चुनावी माहौल में जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। बीते दिनों पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अमित शाह ने भी पूर्वांचल का दौरा कर चुनावी शुरुआत की। अब बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा भी पूर्वांचल पहुंचे और पार्टी की जीत के लिए एकजुटता का संदेश दिया। याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो, तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी। जेपी नड्डा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। रैली में योगी ने फिर से विरोधियों पर तीखा वार किया, यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान किया। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना चुनाव बड़ा रोचक होगा। दरअसल योगी का ये वार सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर है, जो पूर्वांचल में अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए दमखम लगा रहे हैं। अखिलेश लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और सरकार की कमियां गिना रहे हैं। साफ है कि पूर्वांचल की लड़ाई न केवल पार्टियों के नाक की लड़ाई बन गई है, बल्कि ये साख की भी लड़ाई है, क्योंकि जो भी इस जंग में जीतेगा यूपी फतह का उसका सपना पूरा होगा। आज तक ब्यूरो।